अपना कभी खराब बोलेंगे ही नहीं। एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं एक प्यारा सा वीडियो में। बहुत लोग बोल रहे थे कि नॉनवेज से कुछ अलग लेकर आओ, मटन से कुछ अलग लेकर आओ। बहुत लोग बोले थे, कमेंट में बोले थे, मिले थे तो भी बोले थे। तो नया साल है, 2022 ख़त्म हुआ है और जस्ट हम लोग 2023 में अभी एंट्री लिए हैं। अभी 2023 शुरू हुआ है तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया सा वीडियो लेकर आए हैं जो एक बिल्कुल नया है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी जो भी मेरा चैनल देखते हैं। तो बात करें हम आज लोकेशन का, तो आज हम आए हुए हैं RPS मोड़ रोड है। ये देख सकते हैं, ये इधर सगुना मोड़ निकल जाता है और इधर आता है राजा बाज़ार की तरफ से। तो यहीं पे एक RC वेस्टर्न मॉल है, ये है यहाँ पे RC वेस्टर्न मॉल और इसी के अंदर में एक मोमो मैजिक कैफ़े है। तो आज हम यही मोमो मैजिक कैफ़े का बात करने वाले हैं और यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो सब कुछ बताने वाले हैं। टेस्ट कैसा होता है, खाने वालों से रिव्यू लेंगे और ख़ुद टेस्ट करके बताएँगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो आइए आप सबको ले कर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है खाने को। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा ब्रांड्स का लगा हुआ है बोर्ड और यहीं पे मोमो मैजिक कैफ़े का भी बोर्ड लगा हुआ है। सब अपना ऐड के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे भी मोमो मैजिक कैफ़े का एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि बिरयानी वगैरह का है और इसमें कुछ प्राइस वगैरह भी बताया हुआ है। जैसा कि वेज बिरयानी 169 का है, चिकन बिरयानी 230 का है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में ही है इनका दुकान, ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं, ये हम लोग ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। और ये इनका फर्स्ट फ्लोर पे देख सकते हैं कितना सारा दुकान है चारों तरफ, जैसा कि और सब मॉल में होता है यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से है, चारों तरफ एकदम दुकान सजा हुआ है। तो यहाँ पे इस मॉल में 3 फ्लोर है, जो इनका दुकान है वो फर्स्ट फ्लोर पर पड़ता है। एक सीढ़ी यहाँ से भी है इनका, जो कि आदमी चल के आ सकते हैं इस सीढ़ी से। जिनको अपना हेल्थ ठीक रखना है, वजन नहीं बढ़ाना है, वो ये सीढ़ी यूज़ कीजिएगा और जिनको आराम से आना है वो सीढ़ी से आ सकते हैं। देख सकते हैं ये थर्ड फ्लोर तक जाता है। ये देख सकते हैं इनका इतना अच्छा पेंटिंग किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोमो मैजिक कैफे द मैजिक ऑफ टेस्ट। आइए ले कर चलते हैं अब दुकान के अंदर और बात करेंगे यहाँ का टेस्ट के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और बात करें हम मेन्यू का, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा मेन्यू लगा हुआ है। तंदूरी मोमोज है, स्टीम एंड फ्राइड मोमोज है, चाइनीज़ मैगी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा मेन्यू है जो कि पढ़ के एक एक करके बताया नहीं जा सकता है, आप सब देख सकते हैं वीडियो में आसानी से। तो ये भैया हैं यहाँ का ऑनर, आइए इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे दुकान कब से स्टार्ट किए हैं और इनका स्टार्टअप कैसे हुआ है, यहाँ का जर्नी कैसे शुरू किए हैं ये। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निशांत गौरव हुआ। अच्छा, यहाँ कब से आप अपना दुकान ओपन किए हैं? 30 अक्टूबर से। अच्छा, अक्टूबर में ही स्टार्ट किया है ना? स्टार्ट 3 मंथ्स बिफोर, 3 महीना पहले इनका यहाँ पे दुकान स्टार्ट किया गया है। और सेलिंग का बात किया जाए तो भैया कैसा है यहाँ सेलिंग? सेलिंग अच्छी है, अभी स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छी रिस्पांस थी, सेकंड मंथ में और भी अच्छी हुई और थर्ड मंथ में अभी अच्छी खासी प्रोग्रेस पे है। जैसा कि हम आप सबको दिखाए यहाँ पे काफ़ी सारा मेन्यू है, तो उसके बारे में डिटेल से बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक एक मेन्यू के बारे में। तो यहाँ का बेस्ट मेन्यू जो है, जो इनके तरफ से सर्व किया जाता है लोगों के लिए, तो उसके बारे में हम भैया से जानते हैं कि यहाँ पे इनके तरफ से क्या है बेस्ट, लोग क्यों आए और यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ क्या है जो खाना पसंद करें लोग। तो भैया इतना सारा मेन्यू है तो उसमें आपके तरफ से कोई स्पेशल डिश है तो बताइए। अगर मोमोज में बताया जाए तो हमारी अफ़गानी जो है वो स्पेशलिटी है हमारी। अच्छा, तो वो बहुत अच्छी है अफ़गानी, वेज में भी और चिकन में भी और पनीर में भी, ये तीनों आइटम्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं हमारी अफ़गानी। और हमारे चाइनीज़ में आपके सेज़वान नूडल्स एंड ढाका नूडल्स भी बहुत होते हैं। और हम चिकन लॉलीपॉप की बात करें तो वो भी अच्छी हम लोग बनाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा निकलती है हम लोग की बर्थडे के हिसाब से देखें तो। तो ये सारी डिशेस है। और अभी हाल में ही मैंने कल स्टार्ट 1 जनवरी से बिरयानी स्टार्ट किया है, कल से आपकी हांडी बिरयानी स्टार्ट हो गई है। और आपकी हांडी बिरयानी जो है वो आपकी चिकन बिरयानी जो है वो 230 की है और हैदराबादी 260 एंड लेग बिरयानी 280 की है। ये भी कल हम लोगों ने स्टार्ट किया है और कल की रिस्पांस बहुत अच्छी मिली है,
हांडी बिरयानी। बिरयानी मतलब 1 जनवरी से ही स्टार्ट किया, नए साल में है ना? न्यू साल में, नए साल में नया मेन्यू इंक्लूड किया मैंने। अच्छा, अच्छा। उसमें डाला बिरयानी स्टार्ट किया। और ये हांडी बिरयानी पटना में बहुत कम जगह पे मिलता है, कम जगह पे मिलती है। ये मैंने स्टार्ट किया आपके बिरयानी महल जो थी वहाँ पे मैं जाता था पहले खाने को, वहाँ भी हांडी बिरयानी स्टार्ट हुई है। चंपारण हाउस है वहाँ पे भी हांडी बिरयानी मिलती है, तो वहाँ से मैंने देखा स्टार्टअप के, फिर मैंने सोचा, थॉट्स लाए, फिर मैंने जाके स्टार्ट किया नए साल में। तो ऐसा कुछ स्पेशल होगा आपके बिरयानी में जो कि चंपारण मीट हाउस में नहीं मिल रहा है और आपके यहाँ मिल रहा है, जो लोग आए हैं टेस्ट करें? हमारी इंग्रेडिएंट्स थोड़ी अलग है, थोड़ी साउथ इंडियन के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं इसमें, तो हमारी बिरयानी अच्छी है। ज़्यादा रिस्पांस इसके मिल रहे हैं, फर्स्ट डे ही अच्छी खासी रिस्पांस मिली। अच्छा, अच्छा। वो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी आपकी बिरयानी है, कुछ अलग सा टेस्ट है बिरयानी, मॉल से भी ज़्यादा बेटर लगी मुझे। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे लोग आके हांडी बिरयानी। अच्छा, तो यहाँ पे नया स्टार्ट किए हैं हांडी बिरयानी जो कि पटना में बहुत कम जगहों पे मिलता है। तो अभी बात किए हम लोग मेन्यू और प्राइस के बारे में, और आइए यहाँ पे कुछ लोग खा रहे हैं तो इनसे हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में, क्या क्या ऑर्डर किए हैं और कैसा है यहाँ का टेस्ट। यहाँ पे एक फैमिली वाले हैं जो कि खा रहे हैं यहाँ का चिकन लॉलीपॉप है। यहाँ का हम जानते हैं इन लोग से टेस्ट कि कैसा लग रहा है इन लोगों को आके। भैया आपका नाम क्या होगा? अंशु गुप्ता। कहाँ से रहने वाले हैं? हम तो अभी पटने का है। पटना का ही है? हाँ। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं कि और पहले आए हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? हाँ। अच्छा, कैसा है टेस्ट यहाँ? टेस्ट तो बहुत अच्छा है। चिकन, ये चिकन लॉलीपॉप तो और भी जगह भी खाए होंगे लेकिन यहाँ का टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। और जगहों से अच्छा है? और जगह से भी अच्छा। अच्छा, तो क्या कहना चाहिएगा, मतलब और भी आगे आइएगा, रेगुलर कस्टमर बनिएगा या फिर? हम बिल्कुल आएंगे। अच्छा, अच्छा है तो आएंगे ही आएंगे, जाहिर सी बात है। थैंक यू, एंजॉय कीजिए अपना चिकन लॉलीपॉप। आइए, एक छोटा बच्चा है जो कि काफ़ी टेस्ट लेकर खा रहे हैं यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप का, देख सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बाबू आपका नाम क्या होगा? अनमेश कुमार। कैसा लग रहा है चिकन? अच्छा। अच्छा है? अरे उधर देखो कैमरा। ऐसा घर में मिलता है क्या, बनता है? नहीं चिकन लॉलीपॉप नहीं बन पाता होगा घर में। बाबू की मम्मी भी हैं लेकिन यहाँ पे वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, वेजिटेरियन है, तो उनसे बात नहीं करते हैं क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं किए हैं। और एक फैमिली इधर आके बैठे हैं। आप लोग क्या ऑर्डर किए हैं यहाँ पे? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? अच्छा, चिकन हांडी बिरयानी है ना? ये इनका हांडी बिरयानी आ गया है, तो आइए जानते हैं यहाँ का हांडी बिरयानी का टेस्ट कैसा है। भैया नाम क्या हुआ आपका? मेरा नागेंद्र। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं यूपी गाजीपुर। यूपी का? ये पटना में कैसे आना? मैं जॉब करता हूँ। यहीं जॉब करते हैं? अच्छा, तो ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ का बिरयानी? बहुत बेस्ट बना है। हांडी बिरयानी तो और भी कहीं खाए होंगे? नहीं, यहाँ पर तो पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, पहले मतलब पटना में और कहीं खाए हैं क्या? हाँ खाए हैं। तो वहाँ का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट में कोई डिफरेंस है? बहुत फर्क है, यहाँ का बेस्ट लगा। ये जानते हैं इनसे कि इन लोगों को कैसा लग रहा है जो खा रहे हैं आप, ये क्या है? लॉलीपॉप। अच्छा, चिकन लॉलीपॉप। कैसा है इसका टेस्ट? नाम क्या हुआ आपका? शिवा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? LKG। तो ठीक है, एंजॉय कीजिए अपना चिकन। आइए, आंटी जी भी खा रही हैं तो इनसे भी बात करते हैं। बिरयानी का अच्छा है? अच्छा है। हाँ। बिरयानी तो और भी पहले खाई होंगी, बनाई भी होंगी घर में? हाँ, घर पर बनाते हैं। कैसा है, घर में बनाती हैं वैसा टेस्ट है या फिर यहाँ ज्यादा अच्छा है, या घर वाला आपका ज्यादा अच्छा रहता है? दोनों अच्छा है, यहाँ पापा घर दोनों अच्छा। अपना कभी खराब बोलेंगे ही नहीं, सही बात है। टेस्ट कैसा है आपका? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है ना, लोगों को आना चाहिए, खाना चाहिए। आएंगे ना सब, जो खाएंगे जो लोग फिर आएंगे ना। अच्छा, मतलब टेस्ट ऐसा है कि एक बार खाइएगा तो आएंगे खाने और भी, ऐसा आंटी बोल रही हैं। ये क्या है? ये है तंदूरी मोमोज, है ना? तो यहाँ पे तंदूरी मोमोज ऑर्डर किए हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ का तंदूरी मोमोज कैसा है, यहाँ का टेस्ट कैसा है। भैया आपका नाम क्या हुआ? स्वराज कुमार। अच्छा, ये तंदूरी मोमोज यहाँ पहली बार खा रहे हैं कि और पहले खाए थे? नहीं, यहाँ पे तो हम पहली बार नहीं खा रहे। अच्छा, टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, और भी कहीं खाए नहीं होंगे तंदूरी मोमोज? पुणे में खाया था। अच्छा, तो वहाँ का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट में कोई डिफरेंस है क्या? सेम ही है, मतलब अच्छा जैसा वहाँ लगा था वैसा ही यहाँ लग रहा है। अच्छा है, मतलब अच्छा है, वहाँ पे अच्छा मिला था, यहाँ पे भी अच्छा मिला है। अच्छा, ठीक है भैया, आप इंजॉय कीजिए। आइए इनसे जानते हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? सृष्टि। अच्छा, तो ये तंदूरी मोमोज का कुछ बताइए, कुछ यहाँ कुछ खास लगा क्या? मैं लास्ट टाइम जयपुर में खाई थी। अच्छा, उससे अच्छा है। उससे अच्छा है? हाँ।
वाह, मतलब जयपुर और पुणे से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अच्छा है यहाँ का मोमोज, तो समझ सकते हैं कि पटना अब कहीं से पीछे नहीं। आप लोग कहाँ से हैं ऐसे रहने वाले? हम हैं गोपालगंज बिहार। गोपालगंज बिहार, तो यहीं जॉब करते हैं क्या? नहीं, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, पुणे में जॉब करते हैं, यहाँ आए हुए हैं अभी छुट्टी में? हाँ, छुट्टी में आए हुए हैं। अच्छा, और आप? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पुणे में जॉब। पुणे में। तो टेस्ट का बात किया जाए तो यहाँ पे जो भी मिलता है काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है उसका, और लोग बाहर भी खाए हैं और यहाँ भी खा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि टेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, जैसा वहाँ मिलता है वैसा ही यहाँ भी मिलता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है टेस्ट में। अब आइए थोड़ा सा आप सबको किचन का टूर करवाते हैं, किचन दिखाते हैं आप सबको यहाँ पे कैसे बनाया जाता है खाना। तो ये हम आ गए हैं इंडिया किचन के अंदर और यहाँ पे कुछ डिश बन रहा है जो आप सबको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है ये भैया? लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप है? चिकन लॉलीपॉप है। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं अभी? फ्राई कर रहे हैं। इसको फ्राई करके फिर उधर रोस्ट करेंगे। रोस्ट कीजिएगा, है ना? तो यहाँ पे इनका चिकन लॉलीपॉप बन रहा है ये यहाँ पे, और ये है इनका किचन जो कि काफ़ी साफ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। देख सकते हैं मसाला का यहाँ पे सारा मसाला एक साथ रखा हुआ है। इधर ये लहसुन काट के रखे हैं और ये अदरक है और हरा मिर्च भी है, बाकी सब मसाला इसमें है। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑर्डर आता रहता है लेकिन फिर भी साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखे हुए हैं। और इनका छोटा सा एकदम किचन है, किचन का सेटअप। ये इनका यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप बनाया जा रहा है। ये चिकन लॉलीपॉप बन के तैयार हो गया है और ये प्लेट में सर्व करने के लिए लगाया जा रहा है। ये हांडी यहाँ पे रखा हुआ है, हांडी बिरयानी यहाँ पे इसी में बनाया जाता है। देख सकते हैं और हांडी नीचे में रखा हुआ है जो कि हम नहीं दिखा सकते हैं। कुछ हांडी यहाँ पे रखा हुआ है जो कि अच्छे से धोकर रखा हुआ है। और यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी शेक, है ना? इसमें क्या क्या डाले हैं आप? आइसक्रीम डाले हैं, स्ट्रॉबेरी का से फ्लेवर आता है वो डाले हैं, और शक्कर पाउडर डाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे शेक भी मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी काफ़ी तरह का मिलता है। उसके बारे में हम भैया से नहीं बात किए हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं बाहर चल के। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या रखे हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिर आपके शेक्स वगैरह हैं, शेक्स में आपके किटकैट शेक हैं, स्ट्रॉबेरी शेक्स हैं, चॉकलेट शेक हैं, ओरियो शेक हैं, ये सारे शेक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, तो यहाँ पे खाने को और पीने को बहुत ही वैरायटी में मिलता है। आप आके यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कपल्स भी आते हैं, यहाँ पे फैमिली वाले भी आते हैं, यहाँ पे सारे लोग आते हैं और अच्छा खाने का टेस्ट मिलता है। देख, अब हम भी कुछ यहाँ का ऑर्डर करते हैं और उसका टेस्ट बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो ये हमारा मोमो मैजिका आ गया है, ये देख सकते हैं। ये भेज मोमोज है लेकिन अफ़गानी मोमोज है, तो ये अफ़गानी मोमोज हम टेस्ट करने वाले हैं आज। और ये लिए हैं हम हांडी चिकन बिरयानी, इसके अंदर है। तो आइए हम पहले मोमो से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट का नाम ही है मोमो मैजिक, अफ़गानी मोमोज। और इधर देख सकते हैं ये तीन तरह का यहाँ पे चटनी देते हैं। ये ग्रीन चटनी है जो कि अभी पता नहीं है हमको कि इसका टेस्ट कैसा है। ये ऑरेंज चटनी है, तो ये अफ़गानी मोमोज जो कि ये इसके ऊपर ऑरिगैनो दिया हुआ है और चिली पेस्ट भी है और अमूल का क्रीम भी है। और आइए इसका टेस्ट हम बताते हैं आप सबको कि कैसा है। ये भेज है, देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही आसानी से ये टूट गया है पीछे से, देख सकते हैं ये टूटा हुआ है। टेस्ट बाकी में बहुत अच्छा है। और रीवान चटनी है जो कि हम हाथ से ही खा रहे हैं, बाकी में बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है मोमो का। ये जो क्रीम ऊपर से लपेटा गया है ना मोमोज में, उसके कारण बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और शेजवान चटनी का तो टेस्ट बता ही नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। तो चटनी के साथ एकदम उसका तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। अब ये इनका है हांडी बिरयानी जो कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खुशबू आया ढक्कन खोलने के बाद। ये आटे से अच्छे से पैक किया जाता है इसका चारों तरफ का, देख सकते हैं, इससे इसका स्मेल बाहर नहीं निकलता है। खोलने के बाद ही इसका पता चलता है कि स्मेल कैसा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका खुशबू आ रहा है। अब खाने के बाद बताते हैं आप सबको कि टेस्ट इसका कैसा है। ये इसमें इनका चिकन है, ये इनका आ गया रायता। रायता के साथ हम बिरयानी टेस्ट करते हैं और बताते हैं टेस्ट आपको कैसा है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बिरयानी हम काफ़ी जगह ट्राई किए हैं पटना में, हांडी बिरयानी काफ़ी जगह खाए हैं हम, लेकिन हैदराबादी बिरयानी और कोलकाता बिरयानी सब जगह हम टेस्ट किए हैं, लेकिन यहाँ का टेस्ट बाकी में बहुत ही अलग है। यहाँ का बिरयानी बच्चे भी खा सकते हैं और सब जगह का बहुत स्पाइसी होता है। हम यहाँ पर मसाले के साथ एक बड़ा वाइट लिए थे लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मुँह में घुल सा गया है इसका मसाला,
बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आइए अब इसका चिकन हम देखते हैं कि कैसा पका हुआ है चिकन। ये देखिए कितना सॉफ्ट है चिकन, सॉफ्ट है चिकन, आसानी से बिल्कुल आसानी से टूट जा रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल गर्म है अभी। और आइए हम चिकन बताते हैं आप सबको कि कैसा लगता है इस बिरयानी का चिकन खाने में। और बिरयानी हमको खाना हाथ से ही ज़्यादा पसंद आता है, चम्मच से हम नहीं खाते। तो चिकन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ का चिकन बिरयानी काफ़ी अच्छा है। चिकन का जो अपना स्मेल आता है, अपना टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वो है। बहुत ही एक तरह से ये एकदम जूसी चिकन है, देख सकते हैं कितना अच्छा चिकन है, एकदम जूसी है। और ये बहुत ही लाजवाब पका हुआ है। तो कुल मिलाकर हम टेस्ट का बात करें यहाँ का, बिरयानी का हो या मोमोज का हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। एक बार ज़रूर आप सब आइए मोमो मैजिक कैफ़े का, एक बार लुप्त उठाइए। ये देख सकते हैं ये इनका नया मेन्यू है जो कि 1 जनवरी 2023 से ही स्टार्ट हुआ है। तो एक बार जब भी इधर आना होता है आपको, RPS कॉलेज की तरफ, RPS मोड़ रोड, जो भी सगना मोड़ की तरफ जाते हैं आप लोग, तो जब भी आते हैं तो एक बार रुक के अगर खाने का मन है, भूख लगा है, तो एक बार इनके यहाँ आइए, ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा। जैसा सोच कर आएंगे वैसा मिलेगा, एकदम संतुष्ट होकर जाइएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हांडी चिकन बिरयानी काफ़ी अच्छा मिलता है और अफ़गानी मोमोज तो है ही, ये भी काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी बेहतरीन है यहाँ का। और यहाँ पे नूडल्स भी मिलता है जो कि सेजवान का होता है, सेजवान का नूडल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे भेज मंचूरियन भी बता रहे थे भैया कि काफ़ी अलग तरीके से बनाया जाता है और उसका टेस्ट भी और जगहों के मुताबिक यहाँ का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंस होता है। आगे कभी मौका मिलेगा तो हम आपको मंचूरियन का दिखाएंगे, बताएंगे टेस्ट कैसा होता है। अभी फ़िलहाल हम ये दोनों क्योंकि खा नहीं सकते हैं ज़्यादा, तो ये दोनों काफ़ी बेहतरीन है। और वो सब भी उम्मीद करते हैं कि इसी के जैसा टेस्ट मिलेगा उस सब का भी। तो आप लोग आ सकते हैं, ये RC वेस्टर्न मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे ही इनका दुकान है। और हम ये वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं। सामने में बिरयानी रखा हुआ है, मोमोज रखा हुआ है, अब रहा नहीं जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लोकेशन पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।